दोस्तों, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कैश का अर्जेंट जरूरत पड़ जाता है, और उस कंडीशन में अगर हम अपने फ्रेंड से मांगते हैं, अपने फैमिली से मांगते हैं या किसी रिलेटिव्स मांगते हैं तो हमें पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने पैसे को, यानी क्रेडिट कार्ड में जो आपका लिमिट होता है, आप उस लिमिट में से जितना पैसा आप चाहे अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वहाँ पे थोड़े से आपको चार्ज जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म का दोस्तों आप यूज़ करेंगे वो आपसे सर्विस चार्ज काटेगी, प्लस में थोड़े बहुत आपको क्रेडिट कार्ड की कंपनी कट करेगी। तो चलिए, ये कितना कट करती है, क्या क्या चार्जेस है, वो सारा कुछ इस वीडियो में लाइव मैं आपको भी दिखाऊंगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे अपना है तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे फोन में यहाँ पे क्रेड का एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, क्रेड एप्लीकेशन की मदद से ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपली चलिए हम क्रेड के एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करते हैं, फिंगरप्रिंट को अलाउ करते हैं एंड क्रेड का जो यूजर इंटरफेस है, होम पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होम पेज में ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फीस वाया क्रेडिट कार्ड, यानी आपका जो भी फीस है, आपका रेंट का है या शॉपिंग का है या किसी भी प्रकार का है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चुका सकते हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि आप यहां पे कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट को आप पैसे भेज सकते हैं, जो आपने फ़ोन नंबर वगैरह सेव किया है बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली भेज सकते हैं, या UPI ID को भी आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पे रेंट एजुकेशन फी एंड मोर। तो जी हाँ दोस्तों, यही एक तरीका है, यानी अगर आपको ही अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भेजना है तो अपने किसी फ्रेंड, अपने फैमिली, किसी भी मेंबर के UPI ID में या बैंक अकाउंट में, या तो आप उनके स्कैनर के माध्यम से पैसे उनको भेजना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको भेज देंगे। तो यही तरीका दोस्तों आपको यूज़ करना होगा, जो कि जेन्युइन तरीका है और मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे मेरा एक दोस्त है शुभम राज, जिसको हाल ही में दोस्तों यहां पे 4500 रुपये मैंने यहाँ पे हाउस रेंट भेजा है, जो कि मेरे को पैसा काम था और मैंने पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से उसके बैंक अकाउंट में भेजा, बाद में उसने मेरे को लौटा दिया। तो करना क्या है, सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप UPI का यूज़ करना चाहते हैं तो UPI का यहाँ पे क्लिक करके आप यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पर अगर दोस्तों आप बैंक अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ICICI का बैंक है, SBI का, सिंपली SBI पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड और फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, नेम डाल करके प्रोसीड पे आगे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली एक OTP आपके क्रेडिट कार्ड से आपके फ़ोन पे आएगा, वो OTP डालकर जितना भी पैसा आप भेजना चाहते हैं यहाँ पे आप आसानी से सेंड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना चार्जेस लगता है और कौन कौन सा फीस लगता है। तो मान के चलते हैं हम अपने दोस्त को ही भेजना चाहते हैं और यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपके सामने 5000 भेजना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 5000 यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे हाउस रेंट मैंने यहाँ पे चूज़ किया है और यहाँ पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे यहाँ पे क्लिक होता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को ये मिल जाता है कि जो आपका हाउस का रेंट आप 5000 यहाँ पे भेज रहे हैं तो जो सर्विस चार्ज है आपको 90 रुपया देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप 5000 का भेजेंगे तो 90 रुपया आपको सर्विस चार्ज मिलेगा देखने को, और आपका जो क्रेडिट कार्ड से पैसा कट होगा 5000 90 रुपये होगा कट, और आप जिसको भेज रहे हैं 5000 उसके अकाउंट में डल जाएगा और 90 रुपया आपसे सर्विस चार्ज लिए जाएंगे। अब थोड़े बहुत यहाँ पे 50, 60 या 70 रुपये के आसपास जो जिस भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपसे सर्विस चार्ज एक वो भी कट करेगी, और वहाँ पे 30 दिनों का आपको समय मिलेगा, 30 दिन के बाद आप पैसे को आराम से चुका सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 4500 रुपया हाल ही में मैंने अपने दोस्त को यहाँ पे भेजा था, तो सिंपली चलिए मैं एक मोटा मोटी 4500 भेजना चाहता हूँ। तो सिंपली आप देखेंगे मेरे से यहाँ पे
81 रुपीज़ सर्विस चार्ज देखने को मिल रहा है। और सीधा लेकर चलते हैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड के कंपनी में, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरे से कितना एक्स्ट्रा जो फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे से कितना एक्स्ट्रा चार्ज कट कर रही है। तो सिंपली यूज़र इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, चेक करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन। दोस्तों आप देखेंगे कि GST और रेंट ट्रांजेक्शन फीस यानी 45 रुपया 69 पैसा और 8 रुपया 22 पैसा GST लगा मेरे से। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 4570 रुपये के आसपास मेरे से पैसे लगे हैं। तो दोस्तों आप मोटा मोटी आप देखेंगे कि 4500 रुपये मैंने अपने दोस्त को भेजा, 69 रुपीज़ उस समय क्रेड वाला ने मेरे से सर्विस चार्ज लिया, अभी 81 रुपीज़ दिखा रहा है। और यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है वो 45 रुपये 69 पैसा और 8 रुपये GST, यानी दोस्तों टोटल आप मिला लेंगे तो आपको 55 रुपया क्रेडिट कार्ड की कंपनी चार्ज करेगी 5000 में या 4500 में, और 70-80 रुपये के आसपास दोस्तों आपको वो देखने को मिलेगा। यानी टोटल दोस्तों आप देखेंगे अगर 5000 आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो 160 या 165 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और दोस्तों आपको 30 दिनों का समय मिलेगा, 30 दिन के बाद आप पैसे को चुकाएंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इसके अलावा नहीं देना है। तो दोस्तों अभी मैंने इस वीडियो में आपको लाइव दिखाया है कि कैसे आप अपने पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और 5000 का या 4500 का एग्जांपल लेकर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि दो तरीके से यहाँ पे चार्ज आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा 1 रुपया भी चार्ज आपको नहीं देने पड़ते हैं। सो आई होप दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप ये सीख गए होंगे कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कौन कौन से चार्ज आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।